कोलकाता में लेडी डॉक्टर की हत्या से लोगों में आक्रोश, धरने पर बैठे मेडिकल छात्र घटना का विरोध जाहिर किया। लेडी डॉक्टर की हत्या से छात्राओं का गुस्सा फूटा, जमकर नारेबाजी की, पोस्टर लेकर धरने पर बैठी छात्राएं, कहा वी वांट जस्टिस। कोलकाता पुलिस ने डॉक्टर मर्डर सुलझाने का दावा किया है, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की मौत के मामले पर पुलिस का बयान, कहा यह आत्महत्या नहीं है, रेप के बाद हत्या की गई, पुलिस ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। ट्रेनी डॉक्टर की मौत मामले में प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है, शरीर पर मिले हैं कई जगह चोट के निशान, आंख और मुंह से निकल रहा था खून। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई घटना पर बोले बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, ममता सरकार पर खड़े किए सवाल, राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। कहा जाएगा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी होम मिनिस्टर भी है, हेल्थ मिनिस्टर भी है, और उधर अगर एक महिला डॉक्टर, एक जूनियर डॉक्टर जो ड्यूटी पर है अस्पताल में ही सुरक्षित नहीं है, तो संदेश खाली में उनकी क्या स्थिति होगी। बंगाल में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म मामले में जांच के लिए बनी कमेटी पर अमित मालवीय ने सवाल उठाए हैं, जांच में शामिल सदस्यों को लेकर कहा है कि सिर्फ दिखावे के लिए ये जांच हो रही है। बांग्लादेश में पाथरघाटा में हिंसा जारी है, मंदिर पर हमला करने आए युवक को अल्पसंख्यकों ने पकड़ लिया, स्थानीय लोगों ने शख्स को जमकर पीटा। बांग्लादेश में बवाल का दिखने लगा है असर, बंगाल बॉर्डर पर उमड़ा लोगों का हुजूम, बीएसएफ ने सभी लोगों को बाहर निकाला। बांग्लादेश के हालात को लेकर असम में अलर्ट जारी है, दरअसल करीमगंज में डिप्यूटी कमिश्नर ने कहा है कि हिंसा की कोई घटना ना हो, इसको लेकर अलर्ट मोड पर बीएसएफ के जवान। आप कार्यालय पर मनीष सिसोदिया ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, केजरीवाल को बताया ईमानदारी का प्रतीक। चाय के ढाबे पे भी रुके हुए 10 लोगों से बात करोगे, केजरीवाल कौन है जानते हो? यार वो दिल्ली में काम बड़ा शानदार कर रहा है और काम तो कर ही रहा है, ईमानदारी से कर रहा है। इधर मनीष सिसोदिया ने गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी पर हमला बोला, कहा हमारे खिलाफ साजिश रची गई है लेकिन सच्चाई की जीत हुई। सत्रह महीने लग गए लेकिन जीत सच्चाई की हुई है, जीत ईमानदारी की हुई है। मनीष सिसोदिया ने ईडी सीबीआई पर भी कसा तंज, कहा कानून का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। तमाम तरह के आरोप, इतने इतने आरोप लगाए, झूठे झूठे बच गए, निकल के आ गए केवल अरविंद जी बजरंगबली जी की कृपा से। मनीष सिसोदिया ने हनुमान मंदिर में दर्शन किए, पूजा कर बजरंगबली का आशीर्वाद लिया, साथ में संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज मौजूद रहे। हनुमान मंदिर के बाद राजघाट पहुंचे मनीष सिसोदिया, महात्मा गांधी को किया नमन, साथ में आतिशी समेत आपके कई नेता भी मौजूद रहे। रिहा होने के बाद मनीष सिसोदिया से मिले दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज, 17 महीने के बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं मनीष। दिल्ली के हनुमान मंदिर और राजघाट में जाने के बाद आप कार्यालय में भी मनीष सिसोदिया पहुंचे, करीब 17 महीने बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं सिसोदिया, शराब घोटाले मामले में जेल में बंद थे। जेल से बाहर आने के बाद मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया, लिखा 17 महीने बाद आजादी की पहली चाय पी। बीजेपी नेता प्रवीण खंडेलवाल ने मनीष सिसोदिया पर बोला हमला, कहा जमानत मिली है बरी नहीं हुए हैं, जमानत को जीत बताने वालों को न्याय व्यवस्था का ज्ञान नहीं है। केरल दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वायनाड में राहत कार्यों की समीक्षा करेंगे प्रधानमंत्री, और वायनाड में भूस्खलन में अब तक 600 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी। मंजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, पोस्ट कर लिखा केजरीवाल राज्य में स्कूल भी बदहाल हैं, शिक्षा क्रांति सिर्फ पब्लिसिटी तक सीमित है। गुजरात के राजकोट में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे, यात्रा को जेपी नड्डा ने संबोधित किया, कहा गुजरात संतों और समाज सुधारकों की भूमि है। जब मैं ये कहता हूं कि ये संतों की भूमि है, ये समाज सुधारकों की भूमि है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं है, ये सच्चाई है।
उत्तर प्रदेश के संभल में विपक्ष पर बरसे प्रमोद कृष्णम, कहा विपक्ष की आदतें बचकाना, जाति धर्म के नाम पर तोड़ने वाले एक दिन खुद टूट जाएंगे। कभी नहीं हुआ जितना आज है। राहुल गांधी जी ने जिस तरह कांग्रेस को खत्म कर दिया उसी तरह विपक्ष को भी खत्म कर देंगे। और एक बड़ा फैसला, कच्चे कर्मचारियों को नौकरी की गारंटी देने का फैसला लिया गया। दरअसल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई थी जहां पर ये निर्णय लिया। रक्षाबंधन से पहले एमपी की लाडली बहना के लिए खुशखबरी, सीएम की तरफ से खाते में डाले गए 250 रुपए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा रक्षाबंधन हमारी संस्कृति को दर्शाता है। बहनों के लिए 250 रुपए की राशि रक्षाबंधन के अनुपम त्योहार के लिए भेज रहा हूँ। मैं स्वयं श्योपुर जिले से विजयपुर नामक स्थान पर मैं शामिल हुआ। मेरी अपनी ओर से बहनों को बहुत बहुत बधाई। आईओसी एथलीट आयोग के दूसरे अध्यक्ष चुने जाने पर बोले अभिनव बिंद्रा, कहा सम्मानित महसूस कर रहा हूं, एथलीट्स के लिए सर्वोत्तम हित में काम करूंगा और इसके लिए फैसला भी लूंगा। कठुआ पुलिस ने जारी किया जैश आतंकियों का स्केच, पुलिस ने इन आतंकियों पर 5 लाख का इनाम घोषित किया है। 11 जून को सेना पर किया था हमला। असम के हैलाकांडी से एक शख्स की गिरफ्तारी, सोशल मीडिया पर देश विरोधी पोस्ट किए थे, खुद को बताया था अलकायदा का सदस्य। गिरफ्तार आईएसएस आतंकी रिजवान का बड़ा खुलासा, पूछताछ में बताया दिल्ली में ब्लास्ट की थी तैयारी, पुणे में कंट्रोल आईडी ब्लास्ट की ट्रेनिंग ली थी, आतंकी फरतुल्ला गौरी के संपर्क में था आतंकी। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, सुनी लोगों की समस्याएं, जनता को दिया हर संभव मदद का आश्वासन। बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर 12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, सीबीआई और ईडी मामले में जमानत की मांग रखी है। अयोध्या जिला अस्पताल में शिफ्ट की गई अयोध्या की रेप पीड़िता, अब तक लखनऊ की क्वीन मैरी महिला अस्पताल में चल रहा था इलाज। नोएडा में वसूली करते पकड़ा गया ट्रेनी सब इंस्पेक्टर, बर्खास्त कर लिया गया है, गिरफ्तार किया गया डीसीपी समेत कई पुलिसकर्मियों पर ये गाज गिरी है, दो साथियों की तलाश जारी है।